नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल का दौरा करेंगे। यहां वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जंबूरी मैदान में 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम के भोपाल आने को लेकर आयोजन की भव्य तैयारियां की गई हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी सुबह 11 बजे भोपाल पहुंचकर जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर महाकुंभ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रधानमंत्री मोदी का मातृशक्ति अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दोपहर 1 बजे भोपाल से रवाना हो जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने फिलहाल तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से 10:55 पर भोपाल हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से करीब 11:20 पर जंबूरी मैदान के हेलीपैड पर उतरेंगे। जनसभा को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से ही पीएम वापस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भेल क्षेत्र में स्थित जंबूरी मैदान पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के सोमवार को हो रहे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। सीएम शिवराज ने मंच, बैठक व्यवस्था, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने जंबूरी हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पीएम के कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के बाद बताया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो गई है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भोपाल और मध्य प्रदेश पूरे तरीके से तैयार है। बहरहाल पीएम मोदी का आज भोपाल का दौरा करना और करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चर्चाओं में है।